हेलो दोस्तों, जे मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सैमसंग J7 नेक्स्ट है। इसमें चार्जिंग ले रहा है, लेकिन ये पावर बटन के थ्रू ये ऑन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि इसका जो मेन स्विच होता है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसको कैसे बिना स्विच चेंज किए कैसे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, वो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े हुए रहे, आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करके दिखाने वाले हैं कि इसका जो पावर बटन होता है वो ख़राब नहीं होता है। इसका जो खराबी होता है वो सिर्फ ये फाइबर वाला बटन से होता है, अंदर का जो मेन स्विच होता है उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना आपको इस वीडियो में देखे शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए रहे, तब जाके इसका जो है पूरा आसान तरीका आपको बताएंगे कि कम वक्त में आप ये बिना स्विच चेंज किए आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन कंप्लीट तरीके से खुल चुका है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये फ़ोन आपका ऑन कंडीशन है, और वो भी बोर्ड का जो स्विच होता है मेन स्विच वो भी सही है, जैसे आप देख सकते हैं। ऑन करके हम दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये स्विच सही है। ठीक है, तो कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा वो देखिए इस वीडियो में ध्यान से, तब जाकर आपको समझ में आएगा। बटन को सबसे पहले ले लेना है, उसके बाद दोनों प्रॉब्लम है, वॉल्यूम बटन भी प्रॉब्लम है और पावर की भी। तो हम सबसे पहले पावर की को हम देखते हैं, वॉल्यूम बटन को जो है इसको साइड कर देते हैं, पावर की को हम करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते ये पावर की है, तो इसका जो यहाँ का रबड़ होता है, रबड़ जो है ये प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि यूज होते होते ये पूरा ख़त्म हो जाता है, वो घिस जाता है, उसके वजह से वो वहाँ से कट का हो के वहाँ से निकल जाता है, उसकी वजह से ये वर्क नहीं कर पाता, वो मतलब प्रेस नहीं हो पाता। तो इस रबड़ जो वहाँ पे प्रॉब्लम करता है, तो उसको कैसे ठीक करना है वो देखें। सबसे पहले क्या करना है, कटर के माध्यम से उसको पहले क्लीन कर देना, वहाँ छील के पूरे साफ कर देना है। उसके बाद जो पूरा पोख्ता इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। आपके पास सिम वाला जो होता है ये, ठीक है, सिम का रिजेक्ट वाला जो है, इसको कटर के थ्रू इसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब टुकड़ा करके इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप अपने अनुसार वहाँ से कट करें जितना वहाँ ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ से कैसे इसको सेट करना है उसको हम समझाएंगे, कैसे जो एकदम प्रॉब्लम दूसरा और करेगा नहीं कभी, इस तरह का ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में जुड़े हुए रहें। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीन जो है तीन कट चुके मतलब काट दिए हैं, उसके बाद इसको हम साइड कर लेते हैं। और मेरे इस चैनल पे आप नए तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो जैसे उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जो फोल्डर जो साटते हैं कॉम्बो, वो पेस्ट को ब्लैक पेस्ट को, वाइट वाला नहीं, ब्लैक पेस्ट को यहाँ पे दे देना है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि मतलब हम प्रॉब्लम जो होता है उसका सॉल्यूशन हम बता दिए तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो को पूरा देखें आप कि इसका प्रोसेस आगे का कैसे, क्योंकि बोर्ड आप जैसे लगाते हो ये फिर हट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसका आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको मतलब कम टाइम में इसको पूरा फिट करना है, वो इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने और देखें भी। दोनों तरफ यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको ये किनारे कर देना और पावर बटन को फिर देखना है। पावर बटन को देखना, फिर यहाँ पेस्ट जैसे हम देते हैं, उसको फिर से इसको बैठा देना, एकदम सीधे बैठाना है, इधर उधर रहे तो फिर जैसे मतलब बोर्ड को आप लगाओगे तो फिर बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लगाते हो उसके बाद इसको जस्ट इसको किनारे कर दे। ठीक है, दोनों को किनारे कर दे बटन को, और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसमें कोई काम नहीं करना और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको किनारे कर दें। जैसे आपको लगे कि वो सूख चुका है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगेगा, उसके बाद इसको फिर यहाँ पे नॉर्मली बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पे फिट कर लेना है।
उसके बाद इसको फिट कर लेना, ठीक है। जैसे आप फिट करते हैं, बटन को अच्छे से सेट करना है, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आराम से बोर्ड को रख देना है, जैसे कि हम फिट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। फिट करके ऐसे करने के बाद आराम से इसको चारों तरफ से बैठा लेना है। उसके बाद हम बैटरी को लगाते हैं, फिर ऑन करके हमको दिखा मतलब आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं। तो हम जैसे कि देख रहे हैं, फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन स्टार्ट हो गया, तो मेन स्विच जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ज़्यादातर ये केस जो होता है ये ऊपर का फाइबर वाला बटन से होता है, तो आपको इसी तरह करना है, ठीक है।